है फ्रेंड्स, जोहार नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। क्या बताना, रोज रोज की मॉर्निंग रूटीन सेम नहीं होती है, बदलती रहती है, कुछ ना कुछ बदल गया। जैसे कि खाना कभी पहले बनाने होते हैं, कभी झाड़ू पोछा पहले करने होते हैं, कभी नाश्ता बनाना होता है। तो इस तरह से कुछ कुछ चेंजेस हर रोज होती है, लेकिन कुछ 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 चीज़ें जो होती है ना सेम होती है। तो गाइज, आज की मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। पहले देख लीजिए, आप अच्छी लगे तभी लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसे। मैं सुबह फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं अपने किचन में जाती हूँ, अपने स्टोव को सबसे पहले क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये दिन में मुझे एक ही बार करना होता है। सुबह के टाइम पे रात का खाना भी गिरा होता है और दिन का खाना भी गिरा होता है, तो सब चीज़ भी इसमें क्लीन हो जाते हैं। और दूसरा बात यह है कि चूहा यहाँ बहुत है ना, निशान कुछ ना कुछ छोड़ के वो लोग जाते हैं, इसलिए मैं अपने स्टोव को सबसे पहले क्लीन करती हूँ इस तरह से, वॉशिंग पाउडर डाल के पानी से झाग करते हुए इसको पोंछ लेती हूँ। पहले झाग झाग ऊपर क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं कपड़े से उसको पोंछ देती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद में ये मेरा रोज़ का काम है गाइस, मैं इसको रोज़ ही करती हूँ, क्योंकि चूहे का यहाँ पर स्मेल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो ये काम मेरा सबसे पहले होता है और रोज़ का होता है। उसके बाद इस तरह से पोंछ के क्लीन हो गया, और नीचे भी फर्श पे भी मैं इस तरह से पोछा कर देती हूँ। और पोछा करते हुए, क्योंकि यहाँ पे ना चूहे आते हैं और अपना कुछ ना कुछ निशान छोड़ ही जाते हैं, जैसे कि उसका चलना हो गया, पानी की छींटे हो गए, इस तरह में कर ली, अब देख सकते हो अच्छा हो गया। इसके बाद मैं कभी कभी बर्तन पहले से धो के रखती हूँ नाइट में, और कभी कभी क्या होता है बेटा छोटा है इसलिए नाइट में उसको जल्दी सोने होते हैं, तो जल्दी उसको सुलाने के लिए मैं बर्तन को रात में रख देती हूँ धो के, और फिर सुबह इसको धो लेती हूँ, इस तरह साफ कर देती हूँ। तो दूसरा वाला काम यही होता है मेरा। और कभी कभी क्या होता है कि मैं एक को साफ़ कर देती हूँ, एक बर्तन साफ कर देती हूँ चाय बनाने वाला, तो उसमें मैं चाय बिठा देती हूँ इधर अपने स्टोव पे। और क्योंकि अभी मैं स्टोव को भी क्लीन कर रही हूँ, तो अभी मैं चाय नहीं बना रही हूँ, मैं बर्तन वर्तन धोने के बाद ही चाय बनाऊँगी। और मुझे मॉर्निंग में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे फ्रेश लगता है और मैं पहले उसी को पीती हूँ। हाँ, मैं भी जैसे पानी बहुत पीती रहती हूँ, सुबह से उठने के बाद मैं पानी ज़रूर पीती हूँ, उसके बाद मैं पानी ज़्यादातर पीती ही रहती हूँ गाइस, मैं पानी बहुत पीती हूँ। देखिए मेरा बर्तन हो गया, बहुत कम होता है, जितना भी होता है जितना यूज़ करो उतना ही होता है, तीन ही लोग हैं तो बर्तन काफ़ी कम होता है, लेकिन जितना भी होता है और साफ तो करने ही होते हैं। सबसे पहले मैं जो स्टील के बर्तन होते हैं उनको पहले क्लीन करती हूँ, उसके बाद कढ़ाई और चावल जिसमें बनाई रहती हूँ उस वाले बर्तन को करती हूँ। और इसके बाद देख सकते हो ये भी क्लीन हो गया, अब मैं इसको लगा दूँगी अपनी अपनी जगह पर, दोनों को रख दूँगी, और इसमें पहले चाय बनाऊँगी मैं। और देख सकते हो सब लग गया, अभी चालू करके यूँ चाय बनाऊँगी, तो चाय मैं बना लेती हूँ गाइस। और मैं अक्सर किचन में रहती हूँ तो सारा चीज़ मैं बहुत फटाफट ही करती हूँ, तो अदरक मैं ज़रूर डालती हूँ अपने चाय पर, और चाय अगर अदरक नहीं हो तो मैं तुलसी का पत्ता ज़रूर डालती हूँ। और मुझे ऐसे ही चाय पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, खाली चीनी और चाय पत्ती का चाय मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कभी कभी दूध नहीं होता है तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ, और दूध होता है तो मैं चाय नहीं पीती, सीधा कॉफ़ी पीती हूँ, और बिना दूध के तो मैं चाय ही पी लेती हूँ। यहाँ सिर्फ मैं अपने लिए ही बनाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ननी के पापा भी नहीं पीते हैं, अब बाबू छोटा है तो उसको मैं चाय का आदत नहीं लगाना चाहती, इसलिए उसको चाय नहीं देती हूँ। तो अब चाय के साथ साथ मैं एक तरफ दाल भी बिठा देती हूँ सब्जी के लिए, तो ये रहा मेरा चाय, और इसको लेकर मैं चाय पीते पीते सब्जियाँ काटूँगी। तो अब अलग से बैठ के चाय पीने का तो टाइम है नहीं, इसलिए सब्जी काटते काटते मैं चाय पी लेती हूँ, और मेरा काम भी हो जाता है साथ में। और जो कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ खा भी लेती हूँ, क्योंकि खाली पेट चाय मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज बहुत जल्दी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब्जी भी काट लूँगी और साथ में चाय भी पी लूँगी। फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाली हूँ प्याज भाजी और दाल, तो दाल पहले से मैं चढ़ा दी हूँ इसलिए, और ये प्याज भाजी कल से जो हस्बैंड लाई थी थोड़ा सा मुरझा गया है, पर ये दाल के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ। और हम बनाएंगे आज ये वाली सब्जी, तो इसके साथ में मुझे टमाटर की सब्ज़ी भी बनानी है, टमाटर की चटनी बनानी है, आई थिंक चटनी बनाऊंगी टमाटर की, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। कुछ भी सब्ज़ी दे दूँ उनको, साथ में टमाटर चटनी होना तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए दोनों चीज़ मैं बनाऊँगी, और आज यही होगा हमारा आज। तो अब इसके बाद मैं जाके देखूँगी कि मेरी दाल पक गई है कि नहीं पकी है, अगर आधा पक चुकी होगी तो भाजी को उसमें डाल दूँगी धो के। तो मेरी दाल सच में आधा पक चुकी है, मैं उसको डाल दूँगी, और
और बीच में आपने देखा जैसे मेरा बेटा भी खाना चीज़ खा रहा है, उसको जो भी मन होता है वो सुबह खा लेता है। असल में वो अभी इसलिए खा रहा है क्योंकि उसके पापा पहले से उसको ब्रश करा के रखे हैं। कभी कभी ना मेरी ऐसी छोटी छोटी हेल्प कर देते हैं जिसकी बाबू को ब्रश कराना होता है, नहलाना होता है, तो ये सब अगर वो कर देते हैं ना तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। देख सकते हो कल बहुत आंधी तूफान आया था फ्रेंड्स यहाँ पे, तो नाइट में लाइट ऑफ भी हो गया था, इसीलिए सारे कपड़े छत पे छत से ला के मैं ऐसे खाट पे ही रख दी थी, उसको फोल्ड नहीं करी थी। तो अभी मेरा ये काम है और इसके बाद में उधर दाल पक रही है और इधर मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, चुटकू चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे और अपना बाकी का काम जैसे झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ। पोछा नहीं लगाती, पोछा बाद में ही लगाती हूँ क्योंकि हाथ ज़्यादा गंदा करना नहीं चाहिए, झाड़ू का चलता है। तो इधर पानी चालू हो गया है, हमारे यहाँ पानी के लिए ये सुविधा है कि हम अगर मोटर ऑन करते हैं तो वहाँ भी पानी जाती है और वो अगर मोटर ऑन करें तो हमारे यहाँ भी पानी आती है। अगर जैसे नहीं भरी रहती हूँ तो मैं अपने से भी चालू करके भर सकती हूँ। तो पानी अब मैं भर चुकी हूँ, ये मेरे पीने का पानी है, मैं बाल्टी में ही भरती हूँ और एक बॉटल पे भरती हूँ। बॉटल बाहर जाता है हॉल पे और बाल्टी वाला खाना पीना बनाने में काम आता है। तो एक तरफ मैं देख सकता हूँ चावल भी बिठा दी हूँ और दूसरी तरफ दाल बिठाई हूँ, तो दाल भी पक रही है और ये हो गई मेरी दाल। दाल पकने के बाद में चावल भी थोड़ी देर में पक जाता है। इधर मैं ये सब बनाती रहती हूँ और वो उधर नहा के रेडी हो गए होते हैं। तो फ्रेंड्स नाश्ता तो वो करते नहीं है, जैसे मैं पहले बताई आपको नाश्ता वो नहीं करते हैं, अगर वो नाश्ता कर लेते हैं तो खाना नहीं खा पाएंगे और अगर खाना नहीं खा पाएंगे तो उनका पेट आधा भरेगा और फिर जल्दी से भूख लग जाएगी, तो ये वो नहीं चाहते रहते हैं, इसीलिए सीधे खाना खा के ही जाना चाहते रहते हैं और बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं गाइस। वो उन्हें बाहर का खाना पसंद ही नहीं है, सिर्फ चावल और दाल सब्जी यही सब उनको पसंद। तो अब मेरी दाल भाजी रेडी हो गई है और साथ में टमाटर की चटनी भी बनाई हूँ, तो ये सब उनको पसंद है, तो अब वो बड़े मज़े से गर्म गर्म खाएंगे और जाएंगे, तो साथ में बेटा भी खा लेता है कुछ कुछ। फ्रेंड्स अब मेरा क्या काम बच गया, झाड़ू लगाना और पोछा लगाना। नहीं झाड़ू तो हो गया है, पोछा ही लगाना बाकी है। पोछा जैसे ही लगाऊंगी वैसे ही मैं नहाऊंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, नन्हे को भी नहलाऊंगी और उसके बाद मेरा आराम ही आराम है। मैं अपना मोबाइल का काम करूंगी जितना भी काम है और टी वी देख लेती हूँ, लेट जाती हूँ थोड़ी देर, और नन्हे को भी सुलाना होता है, नन्हे को भी सुला देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं सारा कुछ कर लिया, जैसे कि मैंने अपने घर पे पोछा भी लगा लिया, नन्हे को नहला ली, मैं खुद नहा ली, खाना भी खा ली, नन्हे को भी खिला दिया। अब नन्हे जैसे ही खाना खाता है उसको बहुत नींद आती है, तभी वो टीवी देख रहा है और मैं भी साथ साथ टीवी देख रही हूँ और साथ में फोल्ड भी कर रही हूँ कपड़ों को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था, तो रात बहुत हो गई थी और लाइट भी ऑफ थी, तो मैं सोची कि ये सुबह कर लूँगी, इसलिए रख दी थी खाट पर और अभी सारा कपड़ा मैं फोल्ड कर रही हूँ। अब देख सकते हो नहीं करने से कितना सारा कपड़ा हो जाता है, तीन ही लोग हैं लेकिन कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये सब करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैं दिन भर का काम कर चुकी हूँ और ये देख सकते हो मेरी फोल्डिंग हो गई है, मेरी फोल्डिंग जितनी भी कपड़े मुझे फोल्ड करने थे उसे मैं कर ली हूँ। और मैं जब फोल्ड कर रही थी कपड़ों को तो मेरा बेटा सो गया, मेरा बेटा इतना क्यूट है ना, देखो मुझे सुलाने की भी जरूरत पड़ती कभी। ये वाली वीडियो मैं फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ, मैं रूटीन का मॉर्निंग रूटीन वाली वीडियो, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। तो सोच रही हूँ इस वीडियो को डालूँ कि नहीं डालूँ, अगर डाल देती हूँ गाइस तो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा है, कुछ अच्छा ना लगे तो बता देना।